कम्प्लीटली फर्स्ट टाइम आई है प्रॉब्लम, इससे पहले मेरे किसी बाइक में नहीं आई, इसमें आई। क्यों आई वही दिखाना है, चलो दिखाता हूँ बाइक पे जाके। जैसा कि आप डैशबोर्ड पे देख पा रहे हो, बिगिन बोर्ड इज रिटन एज ABS फेलियर, और ABS की लाइट ऑन है, ऊपर यहाँ पे वार्निंग लाइट भी ऑन है। ये एग्जैक्टली एरर मैसेज है या एक्चुअली ABS काम नहीं कर रहा है, ये मेरे को टू बी ऑनेस्ट पता नहीं चला, क्योंकि थोड़ी बहुत टेस्टिंग जो करी मेरे को तो लगा ABS काम कर रहा है। और ऑब्वियसली ऐसे बिजी रोड्स में तो मैं टेस्ट नहीं करने वाला, तो वहाँ पे तो मैंने चेक किया, मेरे को लगा ABS काम कर रहा है, तो मे बी दिस जस्ट नीड्स सम ECU फ्लैशिंग और समथिंग लाइक दैट। अभी मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं आपको कितना दिख रहा होगा, बट मेरे बाइक में यहाँ पे जो वार्निंग लाइट फ्लैश हो रही है ना, इसके नीचे यहाँ पे लिखा आ रहा है ABS फेलियर। मैं आपको बाद में दिखा दूँगा, अभी तो बहुत ब्राइट सनलाइट में खड़ी है बाइक। सेक्टर 63 नोएडा में आया था, यहाँ पे नीरज जी है और बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। और प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आई? प्रॉब्लम वाज विद अ फ्यूज दैट वाज नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। एक फ्यूज मैं आपको दिखा दूंगा, वो कनेक्टेड नहीं था सही से, इसीलिए ये हुआ था। जैसे उसको रिकनेक्ट किया और OBD2 से भी कनेक्ट किया तो इट ऑल वेंट फाइन। अभी टेस्टिंग करने के लिए गए हैं, छोटी से छोटी चीज़ मैटर करती है। अभी देखो कोई एरर मैसेज नहीं है, कुछ नहीं है, मैं उसको ऑन करता हूँ। अभी तो सेकंड गियर पे है, न्यूट्रल करूँ। अभी ये साइड स्टैंड वाला था, यहाँ पे पहले एरर मैसेज आ रहा था, ये भी स्टॉप हो गया ब्लिंक करना। जैसे मैं 6 की स्पीड पकड़ूंगा तो इट विल स्टॉप एंड ABS विल बी बैक ऑन। सो एवरी स्मॉल थिंग्स वुड मैटर, यही सीख मिल रहा है वीडियो से। तो अभी बहुत गर्मी है, अभी वापस ऑफिस करता हूँ। परसों ही आई एम स्टार्टिंग फॉर माई होम टाउन कोलकाता। दिस टाइम आई वुड बी ट्रैवलिंग इन माई कार, बहुत खर्चा होने वाला है, बट कुछ है चीज़ें जो मैं कोलकाता वाले एपिसोड में आपको बताता रहूँगा। तो टिल देन टेक केयर, राइड हैड, राइड रिस्पॉन्सिबली, बाय बाय।